ప్రజా సమస్యలే ఎన్నికల ఎజెండా కావాలి. యునైటెడ్ ఫోరం ఫర్ డెమోక్రసీ. ఆదివారం విజయవాడలో యునైటెడ్ ఫోరం ఫర్ డెమోక్రసీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సదస్సులో మలిక్ ముతస్సిమ్ ఖాన్ న్యూఢిల్లీ పాల్గొని ప్రసంగించారు. నేడు పరిపాలకులు విద్వేషాన్ని నింపడం, వ్యవస్థల విధ్వంసం దుర్వినియోగం పరచడం వంటి విధానాలు, ఏకపార్టీ పాలన వచ్చే పరిస్థితులు దేశంలో ఉన్నాయని ఆయన అన్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో సామాజిక రాజకీయ చైతన్యం కలిగి ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. ఎన్నికలలో అందరూ ఓటును వినియోగించుకోవాలని, మనం ఓటు వేయకపోవడం వలన మతతత్వ శక్తులు బలపడుతున్నాయని అన్నారు. ఓటును విడిపోకుండా ప్రయత్నం చేయాలని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఫోరం తరఫున ప్రజా మేనిఫెస్టోను కూడా విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ధార్మిక గురువులు, మేధావులు, న్యాయవాదులు, స్వచ్ఛంద సంస్థ బాధ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ వివరాలను యూట్యూబ్ వీక్షకులు వీక్షించగలరు. आज ये जो एक खूबसूरत एक दातक पर समावेश जलसा हो रहा है, इसमें भी आंध्र प्रदेश के अलग अलग जगह से वहां के सिलेक्टेड लोग जमा. मैं आप सबके जमा होने पर अपनी तरफ से खुशी और मुबारकबाद पेश करता हूं. और ये जमा होना आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए और हमारे इस मुल्क भारत के लिए सबकी भलाई का, सबको आगे बढ़ने का एक अहम मौका हरा पाए, इसकी दुआ करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं. यहां लोगों ने बताया मुल्क के हालात और हमारे काम, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस पर मुझे कुछ देर बात करना है. मुल्क के हालात बहुत बड़ा टॉपिक है. सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंट, फैमिली लाइफ, फॉरेन पॉलिसी, अगर हम ये सब बातें करें तो ये थोड़ी देर में हम मुल्क के हालात पर कोई बड़ी बात नहीं कर सकते. इसलिए मुल्क के हालात में आप भी यही चाहते होंगे कि हम ज्यादा पॉलिटिकल हालात पर बात करें, क्योंकि जिंदगी के ये जितने भी शोबे, उन सब में सबसे ज्यादा अहम और असर डालने वाला वो हमारे मुल्क का पॉलिटिकल सिचुएशन, वो बहुत अहम. पॉलिटिकल सिचुएशन में अब हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो हमारे देश की जनता
जनता को एक बहुत बड़ा संगीन चैलेंज है, वो नफरत का फैलाया हुआ शहर। यहाँ मेरे बाकी और लोग बात करें, उनके जो ख्याल है हम भी सुनेंगे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब देश की जनता को जो सबसे बड़ा सोशियो पॉलिटिकल चैलेंज है वो नफरत का जहर, नफरत के जराइम, हेट पोस्चर, हेट क्राइम्स, हेट पॉलिटिक्स, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। इससे क्या नुकसान हुआ? सबसे बड़ा नुकसान जो पॉलिटिकल हुआ, ये अब जो लोग जहर फैलाते थे वही लोग मुल्क के जो पावर है, गवर्नमेंट है वो उस पर बैठे हुए। तो जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वो देश के अंदर सिंगल पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम आने वाला, एक ही पार्टी होगी जो अब सेंटर में यूनियन गवर्नमेंट में गवर्नेंस में है। वो चाहते हैं कि ऐसा ही हो, हम नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते। इलेक्शन भी होंगे तो सिंगल पार्टी के तहत, नो अपोजिशन पार्टी। इसके यहां बैठे हुए लोग, उनको खतरा, उनको नुकसान बाद में है। सबसे पहला नुकसान मुल्क में जो अपोजिशन पार्टीज हैं, अपोजिशन जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, उनका वजूद खतरे में। यूनियन गवर्नमेंट किसानों के हक में फार्मर्स के लिए दोस्त है, आपका क्या जवाब? किसानों के साथ दिल्ली में जो लड़कियां, जो रेसलर्स पहलवान, मणिपुर में जो औरतें हैं उनके साथ जो शुरू, इससे ये बात जाहिर कि ये गवर्नमेंट जो वुमेन्स हैं उनकी दोस्त है। बिल्कुल फार्मर्स उनके दोस्त, वुमेन्स उनके दोस्त हैं, जर्नलिस्ट। आप सरकार की तारीफ करें तो फिर इनामत होंगे, लेकिन अगर आप सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ बोलेंगे तो फिर आपके लिए रास्ता है, आपको जेल जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसियों के खिलाफ बोलना, यह मुल्क के खिलाफ बोलना नहीं है। मुल्क अलग है और उनकी गवर्नमेंट अलग है। हम मुल्क के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हमारा मुल्क है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट आती है और जाती है। ये अच्छा काम भी कर सकती है, गलत काम भी कर सकती है। उनमें ताकत होगी स्टूडेंट्स के खिलाफ। ये गवर्नमेंट दलितों के खिलाफ, ये लोग
क्रिश्चियंस के का हमारे क्रिश्चियन भाई यहाँ बैठे प्रदीप भाई बैठे क्रिश्चियंस को पसंद केमिनिस्टों को पसंद मुसलमानों का जिक्र हमारे भाई कर रहे थे कि मुसलमान कमजोरों की मदद कर बहुत अच्छी बात दोनों की मदद कीजिए लेकिन मैं कहता हूं कि पहले अपनी कमजोरी दूर कीजिए ये भी जरूरी है दोनों की मदद करना फर्ज है लेकिन कमजोरों की मदद करने के लिए तो अपने अंदर भी तो मदद करने की ताकत होना जरूरी है गवर्नमेंट की पॉलिसी पे कुछ बोले एंटी नेशनल एंटी फर्स्ट अब जो क्रिमिनल है करप्शन है वो तो बहुत अलग है अभी जो राज्यसभा है लोकसभा है उसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें के 40% से ज्यादा लोग वो है जो जिनको कहां होना चाहिए जी अब कहां है ये हमारे देश की सुरक्षा मैं ये नहीं कह रहा हूं एक ही पार्टी में है वो पूरी पॉलिटिक्स ही है एक बहुत ही खराब प्रतिहार में बात है मैं ये सब बातें जो कह रहा हूं इसका ताल्लुक ज्यादा दिल्ली मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा उत्तर प्रदेश गुजरात झारखंड बिहार वहां का यहां उसका कम है लेकिन ये सब बात की यह करना जरूरी हम देश का हिस्सा है और हमको ऐसा काम करना है कि देश में एक हम सही डायरेक्शन में रहे अब तो डेमोक्रेसी के बारे में सवाल होंगे ये मैं नहीं कह रहा हूं यहां हाईकोर्ट के एडवोकेट श्रीनिवास साहब बैठे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस से बोल रहा हूं वहां क्या हुआ पंजाब के अंदर चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन 35 टोटल वोट जिसमें से 20 वोट कांग्रेस के और आप पार्टी के अलग से 20 अब 35 में 20 जो है उनका जीतना पक्का लेकिन रिजल्ट आया ये जो पक्का जिसको कह रहे वो हार गया और जो दूसरा है वो जीत गया तो वो सुप्रीम कोर्ट के ने जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी तो अब देश को जो सबसे बड़ा संकट है वो इस मुल्क में वो डेमोक्रेसी का मर्डर हो ये बड़ा चैलेंज है लेकिन जो देश में जो जनता जिसको जैसे जहर नफरत का जहर जैसे शराब शराब पीने से इंसान की अगर काम ज्यादा अगर खुदा की ज्यादा कोई को नहीं करती वैसे ही ये जो नशा है नफरत का उससे क्या हो गया जो हमारा वैश्विक समाज है उसमें भी जो एक बड़ी तादाद वो अच्छा बुरा देखने के लिए काबिल नहीं है वो ये देखेंगे कि ये हो रहा है नुकसान हो नफा जो मियां भाई को सता सकता है वो मार तो मैं वैश्विक समाज के भाइयों से कहूंगा इस देश में जो नफरत की सियासत है जिससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिससे फेडरल कल्चर जिससे अपोजिशन पार्टी जिससे देश की डेमोक्रेसी खतरे में है सिर्फ ये सोच के कि ये मियां भाई को कंट्रोल करते हैं
ये सब नुकसान था क्या अखंडता की बात? मुसलमानों पे जुल्म जो हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, वो तो एक सेकेंड पार्ट है, लेकिन देश धर्म और देश के दस्तूर पर जो जुल्म हो रहा है इसको जो हमारे यहां मुस्लिम भाई थे वो क्यों बर्दाश्त कर रहा है, ये सवाल। अब आप देखिए कि इन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन उसको अपना अपने मकसद के लिए इस्तेमाल, बल्कि भाजपा जुडिशियल सिस्टम को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर, पार्लियामेंट के मेंबर्स 141 उन सबको एक वक्त एक सेशन से सस्पेंड, 141 ये पॉलिटिक्स हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। ये सब बातें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से नहीं, हमारे हम जाकर एमएलए नहीं कर रहे, हम एमपी के लिए कैंडिडेट नहीं लग रहे, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर नहीं है, लेकिन जब तक देश की जनता आम आवाम उनका अवेयरनेस नहीं बढ़ेगा इन पॉलिटिकल पार्टियों को सही रास्ते पर नहीं रखा जा सकता है, जब आवाम में बेदारी आएगी तब इन पार्टियों को इन लीडरों को सही रखा जा सकता है, इसलिए बातचीत जो देश की आम है वो आपस में जंजीर बने यूनाइट हो, ये पहला परिणाम है। जो जहर फैलाने वाले हैं वो चाहते हैं कि हमको डिवाइड करके, ये हिंदू, ये सिख, ये मुस्लिम, ये क्रिश्चियन और दूरियां पैदा करेंगे, उनका काम आसान होगा। हम चाहते हैं कि दूरियां खत्म हो और यूनाइट हो, ये किसी एक कम्युनिटी की, किसी एक समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि वो नफरत की फिजा को खत्म करे। सारे लोगों के काम तो पहला काम यह है कि हम यूनाइट होकर इस चैलेंज को चैलेंज समझकर उससे मुकाबला करने की तैयारी करें। इसलिए हम बैठे हुए मुस्लिम समाज के लोगों से मैं कहूंगा कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो लोग केरला में हैं, आंध्र प्रदेश में हैं, तमिलनाडु में हैं और थोड़ा बहुत कर्नाटक और तेलंगाना में, अगर वहां जितना अच्छा केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है उससे ज्यादा कम अच्छा है। यहां आप वो जो डिवाइड कंट्रोल है, जो ब्रिटिशर्स का आइडिया है, उस आइडिया को खत्म करने के लिए मुस्लिम समाज, यहां के गैर मुस्लिम समाज, हम ये समझते हैं कि इस नफरत की फिजा में आज भी जो गैर मुस्लिम समाज है वो सब का सब उनकी गोद में है, नहीं उनसे आप अपनी दोस्ती बढ़ाए, अपने ताल्लुकात बढ़ाए, उनसे आप अपने आप को जोड़े। और मैं गैर मुस्लिम समाज से भी, भाइयों से भी ये कहूंगा कि वो हम एक दूसरे से जुड़ हालात का मुकाबला करें, ये पहला प्रकार। दूसरा ये एक प्रकार है जो हमको समझ नहीं करना है, लेकिन इलेक्शंस में पॉलिटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट वोट की ताकत है,
सबसे इंपॉर्टेंट वोट की ताकत है, बैलेट। अब आजकल बैलेट की वो ईवीएम की बात आते ही बहुत से लोग ये समझते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, इसलिए वही जीते। आवाम की ताकत वो ताकत है कि ईवीएम की गड़बड़ हो या ऑफिसर्स की गड़बड़ हो, अगर आवाम में बेदारी आ जाए, आवाम खड़े हो जाए, तो हर तरह की का मुकाबला। यस, वोट की ताकत। तो सबसे पहला काम जो वोटर्स लिस्ट है, जो वोटर्स लिस्ट है उसमें अपना नाम शामिल करो, दलित का हो, औरत का हो, क्रिश्चियन भाई का हो, मुसलमान का हो, 18 साल के हो गए लड़की या लड़का। आप यहां से जाने के बाद अपने अपने एरिए, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ये काम करना चाहिए कि किसी का भी नाम वोटर्स लिस्ट से गायब है, जिसकी भी उम्र 18 साल, मर्द हो या औरत, और जो इलेक्शन का दिन है उस दिन 100 वोट है, 100 वोट पर। मुझे दूसरे समाज के बारे में ज्यादा इल्म नहीं, लेकिन मुस्लिम समाज के बारे में इल्म है कि इनका परसेंटेज आपको बहुत कमजोर है, औरतें वोट डालने नहीं जाती। अभी से लोग का लय मारा कि हमको वोट डालना, सेंट परसेंट डालना, और कोई आदमी वोट ना डाले वो सही नहीं। तो वोट की ताकत और वोट का सर्वफीसर इस्तेमाल, सेंट परसेंट, इसको आप यकीनी बनाए। फिर वोट को डिवाइड होने से बचाना, ये आज की मीटिंग है। हम यही कह रहे हैं कि जो भी इंसाफ पसंद ताकत है, या दो ताकतें, एक है जुल्म पसंद ताकत और एक उसके मुकाबले में मुकाबले इंसाफ पसंद ताकत। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस दुनिया पे हैं, यहां जुल्मत पसंद, जुल्म की ताकत, नफरत की ताकत, और नफरत के बजाय उसका आदमी पाओ, वो कोई भी हो सकते। हम हमारी कोई सियासी पार्टी की हमको कहते हैं दोबारा वो नफरत की सियासत के बजाय उसूलों की सियासत पर आ जाए। वो बाबरी मस्जिद को उन्होंने शहीद कर दिया, उसको दोबारा वहां बनाने का ऐलान कर दे। वो जो जो गलत काम करते रहे उससे अगर वापिस हो जाए तो हम उनको भी जुल्म या बुरी ताकत नहीं समझते, लेकिन उनको बताना है, वो बताए कि हमसे गलती हो गई और जो गलतियां हो गई है हम उसको वापिस कर दें, और जुल्म के बजाय हम इंसाफ के लिए काम करें। రొద్దుటూరు ప్రజలకు సువర్ణావకాశం. బేక్స్వారి ఐస్మార్ట్ బజార్ ఇప్పుడు సగర్వంగా మల్టీ బ్రాండెడ్ షూస్ అండ్ చెప్పల్స్ పై 52% నుండి 65% వరకు డిస్కౌంట్ ని అందిస్తోంది. ఈ డిస్కౌంట్ సేల్స్ అతి కొద్ది రోజులే మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి, కనుక మీరు వెంటనే మా ఐస్మార్ట్ బజార్ ని సందర్శించండి. ఐస్మార్ట్ బజార్, కేకే స్ట్రీట్, రామ్లవారి గుడి ఎదురుగా, ప్రొద్దుటూరు.